पाकिस्तान में इस समय दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पाकिस्तान में इस वक्त एक के बाद एक मुसीबतें आ रही हैं। पाकिस्तान अभी राजनीतिक और आर्थिक संकट से उबर नहीं पाया था, लेकिन उससे पहले ही दो नदियों ने पाकिस्तान को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इन नदियों ने पाकिस्तान में तबाही मचा कर रखा है। हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि कई जिलों में आपातकाल तक लगाना पड़ गया है। बाढ़ की वजह से पाकिस्तान में अब तक 1000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और करोड़ों लोग बेघर हो गए हैं। आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान में स्वात और सिंधु नदियों ने विकराल रूप ले लिया है। नदियों ने पाकिस्तान में तबाही मचा रखी है। पाकिस्तान का लगभग एक तिहाई हिस्सा बाढ़ की चपेट में बर्बाद हो गया है। पाकिस्तान की तबाही को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया था। पीएम मोदी ने बाढ़ पीड़ितों और घायलों के बीच संवेदना व्यक्त की थी। इसके तुरंत बाद ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मोदी का आभार भी जताया। आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान पूरी दुनिया से मदद की गुहार लगा रहा है। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान जिसे अपना दोस्त मानता है, वह चीन भी आज पाकिस्तान की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। पाकिस्तान के पास सबसे ज्यादा मुसीबत यह है कि पाकिस्तान की सबसे पहले अगर मदद कोई कर सकता है तो वह है भारत, जिससे वह अपनी मदद की गुहार लगा सकता है। लेकिन परेशानी यह है कि भारत से वह अपनी मदद की गुहार लगाए तो कैसे लगाए, क्योंकि भारत के खिलाफ हमेशा आग उगलने वाला पाकिस्तान आज भारत से मदद कैसे मांगे।